थैंक गॉड किसी का तो फोन आया। हेलो व्हाट्स अप। कुछ नहीं यार, बस लेटी हुई थी। तू बता। बंधु एक बात बता, तू इस लॉकडाउन में घर पे अकेले बोर नहीं हो जाती है क्या? नहीं, बोर क्यों होना, इतना काम होता है। पहले सफाई करो, फिर खाना बनाओ, फिर बर्तन धो। अरे बंधु वो तो सभी कर रहे हैं ना यार, लेकिन तू अकेली है ना। जैसे देख, मेरे पास मेरा भाई है, मैं फिर भी बोर हो जाता हूँ। कुछ टाइम पास करने को रहता ही नहीं है यार। तू टाइम पास कैसे करती है बता? मैं नेटफ्लिक्स देखती हूँ, अमेज़न देखती हूँ। अरे लेकिन परसों तूने बोला ना कि तूने नेटफ्लिक्स और अमेज़न में सब कुछ देख लिया है, अब मेरा कुछ देखने का मन भी नहीं करता है। पर तू बोला ना। हाँ लेकिन मैंने पुरानी वाली ना सीरीज दोबारा से देखनी स्टार्ट कर दी है और फिर सो जाती हूँ बाकी टाइम। अरे आदमी कितना ही सो लेगा यार, सोएगा उठेगा सोएगा उठेगा, उसमें क्या टाइम पास है। कौन क्या हो गया यार तुझे, इतनी डिप्रेसिव बातें क्यों कर रहा है यार? मैंने एक भयानक सपना देखा पता है। सपने में तूने चुड़ैल देख ली और तू डर गया है ना? नहीं तू थी इसलिए डर गया। कितना कमीना है तू, मुझे सपने में देख के डर गया। अरे बंधु मजाक नहीं कर रहा हूँ, वरीड होके तू अकेली है यार, और सपने में भी तू इस लॉकडाउन में अकेली फंसी हुई थी। अकेले घर में रो रही थी पता है? रो रही थी मैं? पागल पागल है क्या? मैं कभी नहीं रोती। कभी लॉकडाउन भी तो नहीं होता है ना। देख तू ना मोस्टली हमारे साथ होती है ना, होती है ना, तो टेंशन नहीं होता है यार। लेकिन इस बार टेंशन होता है बंधु, तो ठीक है ना यार? मैं परफेक्टली फाइन हूँ यार, मतलब अच्छा है तुमने पूछा, लेकिन मैं ठीक हूँ। पता नहीं तू ठीक लग नहीं रही है। एनीवेज आज से मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुझे रोज फोन करूंगा टू मेक श्योर दैट यू आर ऑल राइट। थैंक यू, लेकिन मैं ठीक हूँ फोन, तू टेंशन मत ले। चल तू भी ख्याल रख अपना, और कुछ भी हो तो बताना ओके। हाँ थैंक यू, चल बाय बाय।